नमस्कार, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ एक जीवन। इसकी विधा कविता है और इस पाठ के कवि हैं नरेंद्र शर्मा। देखिएगा, मनुष्य की यह फितरत होती है कि वह कम से कम देकर ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है या कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। वह ये देखता है कि उसको कहाँ पर लाभ हो रहा है ज्यादा, उसका फायदा कहाँ ज्यादा है, वह उसी तरफ झुकता जाता है। इसके क्योंकि प्रकृति जो है, मतलब जो नेचर है, वह हमेशा दूसरों को कुछ देती ही है, बदले में कुछ भी नहीं देती। लेकिन मनुष्य उसकी प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वह कभी भी समाप्त नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, जैसे मेरे पास टू व्हीलर है, तो जब मैंने टू व्हीलर खरीदी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पास गाड़ी है। लेकिन कुछ समय बाद, 6 महीने या साल भर बाद, जब मैं टू व्हीलर चला चला कर बोर हो गया, तो मुझे लगने लगता है कि अब मेरे पास एक फोर व्हीलर होनी चाहिए। चाहे छोटी गाड़ी हो लेकिन एक फोर व्हीलर होना चाहिए। उसके बाद जब मैंने कार ले ली, तो कार लेने के बाद वही साल दो साल बाद मुझे लगने लगा कि यार थोड़ा बड़ी गाड़ी चाहिए मुझे। बड़ी इन द सेंस या तो बहुत लंबी हो या ऊंची वाली जो गाड़ी हो वह होना चाहिए। चलिए कुछ सालों बाद मैं वो भी ले लूंगा और उसको भी 2 या 3 साल चलाने के बाद मुझे लगेगा कि क्यों ना यार मैं ऑडी या मर्सिडीज या इस टाइप की जो लंबी लंबी गाड़ियां हैं उनमें से किसी गाड़ी को खरीद कर उसमें घूमूं। मतलब कहने का ये है कि मेरे पास जितना आता जाएगा उसके बाद भी मेरा मन संतुष्ट नहीं होगा। मुझे हमेशा कुछ और भी ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा होगी। मतलब मेरा मन जो है वह रीता ही रहेगा। रीता मतलब खाली ही रहेगा। किसी ना किसी कोने में मुझे अपनी कमी, मतलब मुझे जो मेरे पास नहीं है उस चीज की कमी होगी। यही कुछ इस पाठ में भी आपको समझाया गया है। यहाँ पर यही बताया गया है कि मनुष्य जो है वह हमेशा ही उसका मन रीता रहता है। अब मैं कविता की पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, आप लोग बुक में देखिएगा और फिर 4-4 पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा, उनको आपको समझाऊंगा। और यदि उनमें से कुछ आपको कठिन लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आपको पूरा अर्थ बतलाने की कोशिश करूंगा। कविता की पंक्तियां देखिएगा। कम देकर ज्यादा पाने की आदत बुरी है, तन का पूरा पड़ भी जाए मन रीता रहता है। कभी ना चुकने वाला ऋण है, जीना बहुत कठिन है, यो मरने तक हर जीने वाला जीता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मैंने बताया था, मनुष्य कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है। वह चाहता है कि उसे हरियाली दिखाई दे, बारिश खूब हो, ठीक है, गर्मी कम पड़े, लेकिन वह कभी भी पेड़ पौधे लगाने की नहीं सोचेगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वह अपने घर के आसपास या घर में ही बहुत सारे छोटे छोटे गमलों में पेड़ पौधे लगाएगा जो कि सिर्फ शो की चीजें देंगे। लेकिन वह कभी भी बाहर जाकर या आसपास की खाली जगह में पेड़ पौधे लगाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये मनुष्य की बुरी आदत है कि वह कम से कम देकर ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है। तन मतलब कि शरीर का तो पूरा पड़ जाता है कि आपने जो भी कपड़े पहने आपको अच्छे लगे। हाँ, ये होगा कि थोड़े दिन बाद आपको लगेगा कि मैं थोड़े ब्रांडेड कपड़े पहनूं, जहाँ अभी मुझे लगता है कि मैं नॉर्मल किसी भी शॉप से कपड़ा लूँ, उसे स्टिच करवाऊँ और पहन लूँ। लेकिन अगर मेरे पास पैसा आ जाता है तो मैं सोचूंगा क्यों ना ब्रांडेड कपड़े पहने जाए, जहाँ मैं 400 रुपये की शर्ट पहनता हूँ, आगे जाकर मुझे लगे कि नहीं यार मैं 2000 की शर्ट पहनूँ। जब मेरे पास और पैसा आ जाएगा तो मैं सोचूंगा कि और भी महंगे कपड़े पहनूँ। तो तन का तो पूरा पड़ भी जाता है, लेकिन मन जो है हमेशा रीता ही रहता है, खाली ही रहता है। और ये जो ऋण है, मतलब ये जो कर्ज है प्रकृति का हमारे ऊपर, ये हम कभी भी नहीं चुका सकते। जीना बहुत कठिन है, मतलब कहा जाता है कि आप सर्वाइव कर सके यह बहुत मुश्किल है।
और जब तक मनुष्य की मौत नहीं भी आती है तब तक भी वह जीता रहता है। मतलब मौत आने के बाद ही मनुष्य मरता है, तब तक तो वो जीता ही है, लेकिन जब तक जीता है उसका मन हमेशा खाली ही रहता है। दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। आते हैं फल उन वृक्षों पर जो ना उन्हें खाते हैं, छाह जहां मिलती ओरों को छत्र वहां छाते हैं। गाते हैं जो गीत कभी अपने ना गीत गाते हैं, हेम हिमावत का कब अपने हित हिम आतप सहता है। अब देखिएगा, पेड़ों पर फल लगते हैं। अब आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि पेड़ जो है वो अपने फल खुद खा ले, होता है क्या ऐसा? शायद कभी नहीं होता। पेड़ जो है, जो उनके ऊपर फल लगते हैं, वह हमेशा मनुष्य के ही काम आते हैं या जानवर खाते हैं, लेकिन पेड़ कभी भी अपने फल नहीं खाता है। तो पेड़ क्या सिखाते हैं हमें? दूसरों के लिए जीना। इसके अलावा पेड़ लोगों दूसरों को छाया देते हैं, जो भी उनके नीचे से निकलता है, उनके नीचे जाकर बैठता है, उन लोगों को वे छाया देते हैं। लेकिन पेड़ सूरज की गर्मी सहते हैं, अपने आप को गर्म करते हैं, लेकिन लोगों को छाया देते हैं। साथ ही साथ जो दूसरों की तारीफ वाले गाने गाते हैं, प्रशंसा वाले गाने गाते हैं, जैसे कि बहुत सारे कवि ऐसे हुए या गायक हुए जिन्होंने भारत माता के लिए गाने गाए और भारत माता के लिए गाने लिखे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी प्रशंसा के गीत ना तो लिखे हैं और ना ही गाए। मतलब कोई भी व्यक्ति हुआ, वह दूसरों की तारीफ के लिए तो गाने गा सकता है, लिख सकता है, लेकिन अपनी तारीफ वाले गाने वह कभी भी नहीं लिखता। हेम, हेम का मतलब होता है सोना या गोल्ड। सोने में क्या खास बात रहती है? यदि हम देखें तो आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी मिलती है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं गोल्ड पहनना क्यों पसंद करती? उसकी चमक के कारण। सोने में जो चमक होती है वो और किसी मेटल में नहीं होती है। तो सोने की जो चमक होती है उसमें आती कैसे है? आप कहेंगे कि वो तो सोना है, उसमें तो वैसे ही चमक रहेगी। नहीं, जब तक सोने को आग में तपाया नहीं जाता तब तक उसमें चमक नहीं आती। मतलब सोना खुद तप कर आग में जलकर लोगों को अपनी चमक देता है, ठीक है। इसके अलावा हिमावत का अर्थ होता है हिमालय, हिमालय पर्वत। उसकी क्या विशेषता है? बिल्कुल, हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी हुई है, लेकिन वह बर्फ जब सूरज की गर्मी सहता है तो वह पिघलकर पानी बनता है और वह पानी नदियों के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा है, गोदावरी है, ये हिमालय से निकलती है। तो वहां पर क्या बारिश होती है? नहीं, हिमालय का जो बर्फ पिघलता है उस पिघले हुए पानी का ही जल उन नदियों में बहता है। तो हिमालय गर्मी सहकर लोगों को जल प्रदान करता है। ये हमारे दो पैराग्राफ हुए। अगला पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूं, देखिएगा। सर्जित होते मेघ विसर्जित कण कण पर हो जाने, सरिता कभी नहीं बहती है अपनी प्यास बुझाने। देती रहती है आधार धरा हमसे क्या पाने, अपने लिए ना रत्नाकर का अंग अंग देता है। कम देकर ज्यादा पाने की आदत बहुत बुरी है, तन का पूरा पड़ भी जाए मन नीता रहता है। अब आगे देखिएगा इसमें। सर्जित होते मेघ, मेघ मतलब होता है बादल। बादल कैसे बनते हैं? समुद्र का पानी सूरज की किरणों से गर्म होता है और गर्म होकर भाप बनकर वह बादल बनते हैं। तो बादल बने और विसर्जित, विसर्जित होना मतलब कि फैल जाना, दे देना किसी को। तो यहां पर बादल बनते हैं क्यों? ताकि वे धरती के कण कण पर समान रूप से बारिश कर दें, बारिश कर दें। तो मेघ बने मतलब बादल बने और वे पूरी दुनिया में जाकर बरस जाते हैं। तो बादलों ने क्या किया कि वे बने तो सही, लेकिन उन्होंने अपना यूज कहाँ किया, अपने पानी का यूज कहाँ किया? पूरी दुनिया पर बरसा।
सरिता, सरिता मतलब होता है नदी। नदी कभी भी जो है अपनी प्यास बुझाने के लिए नहीं बहती है, वह हमेशा दूसरों की प्यास बुझाती है। कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि नदी ने अपना पानी खुद पी लिया, होता है ऐसा शायद नहीं। तो नदी भी जो है बहती है, वह अपने पानी से दूसरे लोगों की प्यास बुझाती है। इसके अलावा पृथ्वी, हम इस पृथ्वी पर रहते हैं एक तरह से माना जाए तो पृथ्वी पर, पृथ्वी अपने ऊपर बहुत अधिक भार या वजन संभालती है व झेलती है, लेकिन कभी भी पृथ्वी को गुस्सा होते हुए नहीं देखा होगा। तो पृथ्वी जो है हमें आधार देती है और वह कभी भी जो है हम पर नाराज नहीं होती है। ये बात अलग है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर हम माना जाए कि ये कोरोना जो अभी चल रहा है ये प्रकृति की ही देन है, क्योंकि मनुष्य ने किसी भी प्राणी को खाना नहीं छोड़ा, वो सबको खा लेता है। तो मतलब पृथ्वी को कहीं ना कहीं या प्रकृति को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो बैलेंस है वह गड़बड़ा रहा है, तो उस वजह से ये बीमारी जो है वह फैली। इसके अलावा भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी आना या प्राकृतिक विपदाएं जो बाढ़ आती हैं, तूफान आते हैं, ये सब कुछ जो है प्रकृति के जो गुस्सा जो रहता है वह कह सकते हैं हम कि प्रकृति जब गुस्सा होती है तब इस प्रकार की आपदाएं आती हैं, मतलब मुसीबतें आती हैं। इसके अलावा है अपने लिए ना रत्नाकर का अंग अंग दहता है। रत्नाकर मतलब होता है समुद्र, और अंग अंग दहता मतलब समुद्र जो है वह सूरज की गर्मी से जलता है, जिस कारण से उसका पानी भाप बनकर बादल बनाता है। तो सागर या समुद्र का जलना, जलना जो है मतलब उसका गर्म होना, उसका पानी गर्म होना, भाप बनना जो है, वह कभी भी अपने लिए नहीं करता है बल्कि दूसरों के लिए करता है। कैसे कि उसका पानी जला, गर्म हुआ और उससे बादल बन गए, और बादल जाकर सब दूर बारिश करते। तो यहाँ तक कि समुद्र भी अपना अंग अंग दहलाकर मतलब कि जलाकर लोगों को जीवन प्रदान करता है। कम देकर ज्यादा पाने की आदत बहुत बुरी है, तन का पूरा पड़ भी जाए मन रीता ही रहता है। अब कवि ने फिर यही कहा है कि मनुष्य की इसके बाद भी, मतलब हम प्रकृति के इतने सारे उदाहरण देखे हमने, पेड़ पौधे, नदी, समुद्र, धरती, नदियां, बादल, इतने सारे उदाहरण देखे, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि कहे कि आप हमारे साथ बदले में ऐसा करो, कोई नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी वह हमेशा दूसरों को देते ही देते हैं, बदले में किसी से कुछ नहीं लेते, ठीक है। लेकिन मनुष्य की आदत होती है कि वह कम से कम देकर ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है। उसका शरीर का तो फिर भी पूरा हो जाता है लेकिन उसका मन हमेशा खाली रहता है। इसके अलावा कभी कभी हम ये भी करते हैं, अच्छा आप लोगों का बर्थडे आता है, बर्थडे आने पर हमेशा आप यह उम्मीद लगाए रखते हैं अपने पेरेंट्स से कि मुझे बहुत अच्छी ड्रेस दिलाएं और मेरा बर्थडे काफ़ी धूमधाम से मनाएं, बड़ा सा केक आए और किसी रेस्टोरेंट में जाकर हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। करते हैं आप लोग उम्मीद? शायद हाँ, उम्मीद नहीं करते, पक्का है। यदि पेरेंट्स ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, थोड़ा बुरा मान जाते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स सब कुछ करने के लिए तैयार हैं कि हाँ भाई हम बड़ा सा केक लाएंगे, आपकी मनपसंद ड्रेस भी दिलवाएंगे आपको, आप जहाँ कहोगे उस रेस्टोरेंट में ले जाकर हम आपका बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं बदले में? आपको पेरेंट्स इतना कुछ दे रहे हैं लेकिन बदले में कितना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि आप सही ढंग से पढ़ लें। जब पीटीएम के समय आपके पेरेंट्स स्कूल में आए तो उन्हें अपने बच्चे की प्रशंसा सुनने को मिले, तारीफ सुनने को मिले, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम अपने बच्चे के लिए जितना कर रहे हैं उतना हमको मिल रहा है। नहीं अदरवाइज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उन पीटीएम में आने पर उनको डर लगता है कि पता नहीं हमारे बच्चे का रिजल्ट कैसा आया होगा, ये घर पे तो पढ़ता नहीं है, हमारी तो सुनता नहीं है, जवाब हमको देता है। तो ये मनुष्य की फितरत है, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, हर इंसान के बारे में बता रहा हूँ कि वह कम से कम देकर ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है।
तो ये थी हमारी कविता जीवन। मुझे उम्मीद है आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप घर पर इसको पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यदि इसके बाद भी कुछ शब्द समझने में आपको परेशानी हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगा, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।